मत खाओ हाथ, ये खाने वाला नहीं है, खाने वाला चीज़ दूसरा है। ये हमारा है जर्मन शेफर्ड डॉग, और आज फर्स्ट वीडियो है मेरा यूट्यूब पे, फर्स्ट वीडियो मैं डालने वाला हूँ। तो इसके लिए जो मैं फूड इसको देता हूँ, खाना देता हूँ, मैं सोच रहा था कि इसकी वीडियो मैं यूट्यूब पे डालूँ सब लोगों को जानकारी के लिए। ये देखिए मेरा हाथ खा गया, उंगली खा गया पूरा, छोड़ दे। आइए इसके खाने के बारे में आप लोग को बताऊं क्या खाना देना चाहिए हेल्दी और कम बजट में। देखिए इसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी है, 4 महीने की फीमेल जर्मन शेफर्ड है ये। ये मैंने सारा चीज़ तैयार करके रखा हुआ है। ये प्रेशर कुकर, इसमें 3 गिलास पानी है, और ये है दाल जो मैं मूंग की दाल बहुत कम मात्रा में इतना सा डाल रहा हूँ, और ये 2 मुट्ठी चावल, आप कोई भी चावल दे सकते हैं। दाल और चावल डालने के बाद इसमें सोयाबीन, ये जो आता है इंसानों के खाने के लिए सोया चंक्स जो होता है, ये डाल सकते हैं, ये प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होता है। उसके बाद ये है एग, अंडा, और ये एक मीडियम साइज आलू जो होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए, ये है, ये डब्बी डाल दी इसमें, मैंने पहले से ही काट के रखा था, ये आलू डाल दिया हमने। और ये है बीन्स, जिसको हम लोग इधर तो बोरा बोला जाता है, इसको हमारे इधर इसको बीन्स बोला जाता है, वैसे ये हमने डाल दिया। अब इसमें डालना है थोड़ा सा हल्दी, ये रहा हल्दी, और बहुत ज़रा सा, बहुत कम, इतना सा, ये तो चम्मच ही छोटा है, उसमें भी इतना सा सिर्फ, इसमें ये कि इसका एंटी बैक्टीरियल गुण जो है वो मिले, बस इतना सा डाल दिए। क्या कर रहे हो भाई साहब लोग, क्या हो रहा है ये उल्टा आसन, ये योगा के मूड में है अभी, योगा कर रही है, गुड गुड, अच्छा बच्चा, अच्छा बच्चा, करो योगा करो, तब तक हम तुम्हारा खाना बना रहे हैं। थोड़ा सा खिसकिएगा सर, गैस जल चुका है, और इस पर हम ये कुकर डालें, प्रेशर कुकर, इसमें वही सब सामान है जो हम डाले थे, और इसको अब है टाइम बंद करने का, इसको कर दिया हम बंद। अब खाना पकने के बाद दिखाते हैं आपको कैसा बन रहा है खाना, कैसा लगेगा दिखने में वो हम दिखाएंगे। नहीं नहीं लाइटर नहीं खाना है, ये खाने की चीज़ नहीं है। अरे भाई साहब ये हाथ मेरा हाथ के पीछे पड़ा है, हाथ छोड़ दे मेरा, ये ठाकुर का हाथ नहीं है, ये मेरा हाथ है, छोड़ दे। हमारा खिचड़ी पक चुका है, ये डॉग का खिचड़ी, सिटी निकल गया, ठंडा भी हो गया, ये देखिए, ये इसमें एक अंडा है, और सारा चीज़ अच्छी तरह से देखिए, अच्छी तरह से पक गया है, ये सोयाबीन जो था ये भी अच्छी तरह से पक गया, अंडा भी बॉयल हो गया। अब इसको हम इसमें ये इसके खाने का बॉयल है, इसका खाने का वेट कर रही है, इसमें ये डाल के और अंडा को उसमें छील के उसको पूरा स्मैश कर देना है, मिला देना अच्छी तरह से, और इतना स्वाद के लिए फ्लेवर के लिए दही चाहिए, ये रोज़ देते हैं हम, एक टाइम दही देते हैं बस, तो ये दही भी डाल देना है उसमें, ताकि इसका स्वाद अच्छा आए, उसमें स्मेल अच्छी आए, तो ये खाता बड़ी चाव से, दही मिल जाए तो बहुत अच्छी तरह से खाता है। इसको हम मिलाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। इसमें कुकर से आधा इसमें है, आधा इसमें डाल दिया हमने, और इसको ठंडा होने के लिए पंखा चला दिया है, ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद इसमें ये अंडा मिलाएंगे, इसमें स्मैश करके पूरा अच्छी तरह से, और ये दही मिलाएंगे, उसके बाद इसको खाना देंगे। ये देखिए
चुका है सही तरीके से। इसको मिला के ठंडा करके फिर आप दिखाते हैं एक बार। इसमें मैंने दही डाल दिया यहाँ पे, और अब बारी है अंडे की। आज एक ही अंडा बचा था, सारा ख़त्म हो गया, तो मैंने एक ही डाला। इसमें दो अंडे डालता हूँ इसमें, ये और ये। इसको खूब अच्छी तरह से मिलाना होता है, पीले वाला भाग जो होता है, इसको खूब अच्छी तरह से ऐसे करके। मिला देंगे और यह दही, इसको सही से मिला के उसके बाद दिखाते हैं आपको। नो नो, अभी नहीं खाना है, बैठो, सिट। मैंने इसको खाना दे दिया है, लेकिन अब मेरे परमिशन का इंतज़ार करेगा ये। जब तक परमिशन नहीं देना तब तक ये नहीं खाएगा, खाएगी। वेट करो, खाना लगा हुआ है, इसको भूख भी लगी है, लेकिन ये खाएगी नहीं जब तक परमिशन नहीं मिलेगा। ऐसे बैठे बैठे ये लेट जाता है, सो जाता है, सो जाती है, लेकिन खाएगी नहीं जब तक मैं परमिशन नहीं दूंगा तब तक। आजा, गुड गर्ल, गुड गर्ल, खाओ खाओ खाओ, खा ले। देखिए कितने चाव से खा रही है। इसके लिए सबसे अच्छा डाइट जो होता है खाना, बहुत स्वादिष्ट और हेल्दी फूड, बाजार में मिलने वाले डॉग फूड से तो बेहतर ही होगा। देखिए क्वालिटी, खाते वक्त एक दो बार हाथ लगाए कि जिससे कि इसका वो फूड एग्रेशन जो होता है वो ना हो। खाना खाते वक्त बहुत सारे कुत्ते ऐसे छूने पर काटने लगते हैं, लेकिन ऐसे बार बार इसके हाथ लगाने से खाते वक्त ये काटेंगे नहीं। ये भी इसका ट्रेनिंग का हिस्सा है। गुड, बहुत अच्छी बात। और जो बड़े ब्रीड होते हैं, जो डॉग बड़े होते हैं, उसके लिए हमेशा ध्यान रखें कि इसके खाने का बॉल जो है ये ऊपर कुछ हो, हाइट पे हो, जिससे कि इसका हाइट खाने में इसको दिक्कत ना हो, कमर नीचे ना हो। आज का ये मेरा पहला वीडियो था। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। नमस्कार।